गाइस बिपाशा लेकर आ रही है सामान सब जो कि इस ट्रंक में रखने के लिए। और ये रही भाई साहब, ये क्या चीज है बिपाशा? अरे भाई ये क्या चीज़? तो गाइस मम्मी आ गई छत पे। ये है मम्मी के हाथ में थाली। अभी मम्मी चंद्रमा को देखकर खोलेगी अपना व्रत। तो ये रहा चावल वावल और पानी वानी है, तो अभी पिएगी मम्मी। तो गाइस मम्मी खोले अपना व्रत। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, भगवान की कृपा से आप और हम हमेशा खुश और अच्छे। तो गाइस आज शाम में ब्लॉग इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि गाइस सुबह गए थे स्कूल और अभी आए हैं स्कूल से। तो गाइस अभी फ्रेश फ्रेश हो गया, कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया, स्कूल ड्रेस और कपड़ा पहन लिया। और गाइस अभी हमको जाना है मार्केट। मार्केट से गाइस करवा चौक का सामान लाना है, तो इसीलिए हमको मार्केट जाना पड़ेगा। मार्केट बहुत ज्यादा दूर है इसीलिए मम्मी नहीं जा सकती है, तो हम ही जाएंगे गाइस मार्केट, तो साइकिल से जाएंगे। और तो रेडी हो गए गाइस, अब निकलते हैं फटाक से घर से। तो गाइस सामान का लिस्ट ले लिया, इसी में है सब कुछ लिखा हुआ, तो अब उठाते हैं अपना धन्नो रानी। गाइस फाइनली निकल गए हैं और अभी आ गए गाइस हाईकार्ट चौक पे, और यहाँ से बस थोड़ी दूर है तो चलते हैं। Ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. गाइस टावर पे आ गए और यहाँ से ले रहे सामान इस भैया के दुकान से कड़वा चौक का, तो सामान हो गया है, अब चलते हैं लेकर। और गाइस देखिए टावर पे सब सस्ता सामान सब मिलता है। आप भी दरभंगा से होंगे तो टावर पे आ जाना, बहुत सस्ता सामान मिलेगा। और इधर फ्रेश फ्रेश फूल है भाई साहब। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है बट यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा और क्या ही बताऊँ। और गाइस चारों तरफ खाने पीने का सामान मिलेगा आपको, और इधर सस्ता कपड़ा जो कि हम लोग यहाँ से कभी नहीं लिए गाइस, देखेंगे कभी ट्राई कर कर। और ये रहा टावर जिसका घड़ी ख़राब है भाई, घड़ी रुक गया है वो सो के लिए है टावर। और गाइस अब चलते हैं सीधा घर। और गाइस हम भी साइकिल यहीं से लिए थे, ये जो है ना अपना धन्नो रानी, ये रेड वाला है ना, ये यहीं से लिए थे यहाँ पर से साइकिल अपना धन्नो रानी। और अभी क्या हाल हो गया भाई, स्टिकर सबका रंग भी झड़ गया है पूरा खराब हो गया, खटारा हो गया भाई, चेन भी उतरता है इसका। तो गाइस अभी हमको जगुआर दिखा, वो जो व्हाइट वाला जा रहा है ना सामने, जगुआर है भाई। दरभंगा में पहली बार हम जगुआर देखे, हमको विश्वास नहीं होता दरभंगा में कब से आने लगा जगुआर भाई, कहाँ से आ गया हमको समझ नहीं आता है। पहली बार देखे गाइस दरभंगा में जगुआर, वैसे दिल्ली में देखे है। गाइस देखो सामने कैसे भैया लटके हैं गाड़ी पे, पीछे लटक गए हैं भाई, गिरने का भी डर है बट वो लटक गए हैं, क्या पता भाई लग रहा पैसा नहीं है उनके पास। मजाक किए गाइस थोड़ा हंसाने के लिए, आपको ऐसा बोले सीरियस नहीं मानेगा। हेलो गाइस, तो गाइस फाइनली आ गए मार्केट से। और गाइस हमको दो दो बार जाना पड़ा वहां, नहीं जहाँ गए थे बगल वाले मार्केट में, क्योंकि गाइस फल फूल भी लेना था तो फल के लिए जाना पड़ा। मम्मी को बोले जो ले ले उधर से, तो मम्मी बोली नहीं, तो घर पे आए तो फिर गाइस जाना पड़ा, दो दो बार परेशान हुए बट कोई बात नहीं। और गाइस देखिए आज पूरा साफ सुथरा लग रहा है ना, डेली की तरह नहीं लग रहा है पूरा गंदा गंदा। और ये रही बिपाशा, यहाँ मोबाइल चला रही है पूरा, पहले कैसे रहता था कपड़ा सब फेंका बट आज थोड़ा साफ कर दिया बिपाशा, तुम की हो और ये कर दिया है। और गाइज इस घर में हम लोग अनबारी रख दिए हैं क्योंकि गाइज अब हम लोग ना पेंट कराएंगे दीपावली में, तो इसीलिए सामान सब इस घर में रख दिए हैं। और ये रहा अपना बेड। तो गाइज अभी शाम हो गया है और चाय बनाते गाइज, शाम का चाय हम आज हम बनाएंगे, तो पियोगे बिपाशा? बिपाशा मोबाइल में व्यस्त है, पियोगी? बना देंगे तो फिर मत बोलना, पियोगी हाँ या ना? नहीं, नहीं पिएगी तो हम चलते गाइस दो आदमी के लिए बनाने, हम दादा और मिठी पिएगी, तीन आदमी, मम्मी फास्टिंग में।
तो गाइस देखिए आज दूध बहुत ज़्यादा है फ्रिज में, दो दो लीटर आ गया था, तो निकालते हैं गाइस ये वाला और चलिए चलते हैं चाय बनाने। तो गाइस चाय बन गया है, उबाल आ गया है, अब उतारते हैं इसको, ग्लास में रखते हैं। तो गाइस अभी चाय ले लिए ग्लास में, ये रहा चाय अपना खुद का बना हुआ, बहुत टेस्टी बनता मेरे हाथ का, कभी आप आएगा तो पिलाएंगे। तो ये रहा अपना चाय, तो पीते गाइस शाम का इवनिंग टी, एंजॉय करते हैं। और गाइस शाम हो गया 5:30 और बहुत ज्यादा ही अंधेरा हो गया ठंड के टाइम में ना गाइस, आप गेस करिएगा, ठंड के टाइम में जल्दी अंधेरा हो जाएगा और गर्मी के टाइम में बहुत लेट से होता है, तो अभी अंधेरा हो गया, हम भी सोचे 6-7 बज गया, तो यही है। तो पीते गाइस अपना इवनिंग टी मेरा हाथ का बना हुआ। तो गाइस अभी फिर से तीसरा बार दुकान जाना पड़ा मार्केट गाइस सॉरी सामान लाने, खोज भरने का सामान होता वो, और यहाँ रही अपनी बिपाशा बहन जो कि थोड़ा एटीट्यूड वाली हो गई है, ब्लॉग में आती नहीं है, क्या बात है बिपाशा, लग रहा 2-4-5 रुपया खिलाना पड़ेगा इसको तभी आएगी। हाँ स्कूल गए थे ना गाइस तो ये देती हमको पैसा, तो वो तो मम्मी का पैसा दी थी, मम्मी से ये फिर ले ली। और गाइस अभी बन रहा है पूरी सब और सवई सब, तो यही है, चलिए दिखाते आपको मीठी बना रही है। ये रही गाइस मीठी, यहाँ पे बना रही है पूरी, और ये रहा इसका फूला फूला पूरी, और यहाँ पे गाइस सवई बन गया है, और यहाँ फिर अभी फिर से छनाएगा पूरी। तो ये रहा, थैंक यू बनाने के लिए हम सबके लिए। तो गाइस देखिए पूजा रूम में मम्मी अभी कथा सुन रही है मोबाइल से ही, और यहाँ पे सब कुछ सज गया है, तो पहले मम्मी सुनेंगी उसके बाद छत पर जाकर चांद देखेगी। गाइस अभी हम है छत पे और गाइस फाइनली चंद्रमा उग गई है, और अभी आ रही है मम्मी छत पे मतलब अपना व्रत खोलने के लिए। तो गाइस आपको दिखाते हैं चंद्रमा, आपको तो दिखेगा अभी नहीं पर वो जो हाँ गाइस दिख रहा है कैमरा में भी, ये रहा जो चंद्रमा है यहाँ पे, तो अभी आ रही है मम्मी और आपको दिखाते हैं पूजा कैसे होता है। और गाइस बिपाशा लेकर आ रही है सामान सब जो कि इस ट्रंक में रखने के लिए, और ये रही भाई साहब ये क्या चीज है बिपाशा, अरे भाई ये क्या चीज। तो गाइस मम्मी आ गई छत पे, ये है मम्मी के हाथ में थाली, अभी मम्मी चंद्रमा को देखकर खोलेगी अपना व्रत। तो ये रहा चावल वावल और पानी वानी है, तो अभी पिएगी मम्मी। तो गाइस मम्मी खोले अपना व्रत। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं नीचे रूम में, और गाइस पूजा वूजा देख लिए ऊपर का बहुत मस्त, और गाइस आपको भी जैसा था दिखाए, और गाइस आपको वो वाला सीन नहीं दिखा पाए सॉरी, जिसमें दिया गाइस पीछे फेंका जाता है, हम बोले ये क्या कर रही है मम्मी, तो मम्मी बताई जो ये फेंका जाता तो वो पीछे फेंकी। और गाइस अभी प्रसाद खा रहे उसमें का संतरा, तो ये रहा अपना संतरा और खाते गाइस संतरा। और गाइज आप में से जो भी अंकल आंटी होंगे तो हैप्पी करवा चौथ आप दोनों को, जो जो अंकल आंटी उन्हीं को, क्योंकि वो लोग ही करते हैं ना, आंटी करती है अंकल के लिए, और दोनों को हैप्पी करवा चौथ बधाई हो। तो गाइज अभी अपना खाना खाने के वक्त हो गया है, तो गाइज खाने में बता रहे हैं क्या गया है, आज तो बहुत सारा चीज बनाया है सबई सब, मिठाई उठाई सब लाए थे। तो गाइज देखिए खाने में पूरी सब्जी मिठाई है दोनों, और मखान भी एक दो है, और यहाँ पे गाइज सबई, तो गाइस बहुत ज्यादा ही खाना है, तो गाइस खाते हैं खाना, बहुत मस्त मस्त खाना बना, तो गाइस खाते हैं खाना फिर मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। तो गाइस अभी अपना खाना पीना हो चुका है, बहुत मजा आ गया, पेट भर गया पूरा हाउसफुल। और गाइस यहाँ पे रही बिपाशा, और गाइस जब से पूजा हुआ है प्रसाद सब है ना, नारियल वारियल या केला वोला जो भी है, और मौसम्बी संतरा सब खा रही है भाई, तभी से कोंचे जा रही है, अरे कहाँ जा रही है, इधर इधर तुम्हारा सच दिख गया, देखिएगा इस कितना खा रही है व्यासा। और अभी अनार क्या खा रही है, समोसा वो सिंघाड़ा होता है ना, हाँ पानी वाला, इधर आ, अरे यार कितना भाव खा रही है, ब्लॉग में तो आ जा, क्या खा रही है, खाने में बहुत तेज है गाइस, और हमारा तो पेट भर गया उतना ही से भाई, हम अभी नहीं खाएंगे केला वोला जो भी है, तो यही है, और वो कोंच रही है उसको कुछने देते हैं तब ना मोटी होगी। तो गाइस फिर से अपनी बहन आ गई है कुछ खाते हुए, अभी मखान खा रही है, पहले नारियल खा रही थी, कुछ से कुछ फ्रूट खा रही थी, और अभी मखान खा रही है। तो ये रहा ये रही बिपाशा, और यहाँ पे खा रही है मखान, और वैसा वो जो क्या बोलते हैं यार तुम अपने सिर पे वो तीन वो कैसे रखी थी बताओ, वैसे वो तसला देखची कैसे रख ली थी अपने सिर पे, भाई साहब इसका तसला वाला जो आपको दिखाया देखची वाला 3 रख ली थी, जैसे सर जादू में होता है ना गाइस, जादू वाली लड़की सब जो करती रहती है, भाई हमको विश्वास नहीं हुआ ये कैसे कर ली,
इसीलिए हम हिल गए जो ये कैसे कर ली। तीन देखिए अपने माता के अखली और बैलेंस भी इसका मस्त था। विवासा बहुत मस्त था यार। और आपको भी पसंद आया तो गाइज इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा, इतना मेहनत की मेरी बहन। विवासा तुम कोसते क्यों रहती हो, हमेशा खाते रहती हो? थोड़ा ही तो है। हाँ थोड़ा ही तो है, थोड़ा है। आप देखते ना गाइज ये कितना खा, कितना खाओगे पता भी नहीं चलेगा। वो भी कि क्या है, मखान, मखान तो जितना खाओ पेट ही नहीं भरता। बोलो कितना भी खा लेकिन मेरा पेट नहीं भरता। मखान खाना बंद करो वरना पेट निकल जाएगा। और हम ही ठीक है, हम कम खाते हैं और पतला है और हम क्या खाते हैं, कम क्या, कम ही खाते हैं। मेरा गाइस मतलब सिक्स पैक निकल रहा है तो भाई हम मोटे थोड़ी हो रहे हैं। और पुशअप मारने से गाइस बॉडी मेंटेन है, पूरा मस्त है। विपाशा कुछ गाना सुनाएगी तो सुनिए। ये मोमोज चौमिन मैगी मेरे पेट को भाते हैं, मैं जितना भी खाऊं पर मेरा पेट निकले है। भाई जलबिच रब्बा ऐसा फिगर बना के भेजे, मैं जितना भी खाऊं पर मेरा पेट ना निकले। हो गया बस भाई, बहुत मस्त, ये बहुत मस्त गाई और आपको भी अच्छा लगा होगा। बेचारी क्या करेगी, मोटी हो रही है, थोड़ा बहुत हो रही है। तो गाइज हम अभी सोएंगे हम लोग, और अभी सोने का टाइम हो गया है। खाना पीना जो था सब दिखा दिया आपको, और आज भी जो था गाइज ब्लॉग में बहुत लेट स्टार्ट किए, शाम को गए थे मार्केट जो भी था आपको दिखाए। पसंद आए तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, जय श्री राम।